just check another one more piece. वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीबडी. वैसे आज ना मैं ब्रेड बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन खाऊंगा तो मैं खुद ही आप लोगों को दिखाकर. वैसे इस चैनल का जो मेन सब्जेक्ट एंड टॉपिक है वो फूड है, वो ट्रैवल व्लॉगिंग है. लेकिन जैसे ही मैं कलकत्ता अपने कुछ काम से आया था और इस पेंडेमिक ने हिट किया और उसी वजह से मैं यहाँ पे अटक गया, तो मेरा दिमाग का फिरकी हिल गया. क्योंकि मैं इस वक्त कोई लॉन्ग टूर या फिर कोई होटल रिव्यूज के वीडियो तो डाल पाऊंगा नहीं, तो तब तक आप लोग होम कुकिंग के मजे लो. तो सिंपल ब्रेड मेकिंग रेसिपी के लिए सबसे पहले इस बॉल को ले जाता हूँ. पहले इसमें जाता है आधा कप दही. That's it. और जाएगा इसमें एक लेमन. There goes fresh lemon. Then थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शुगर. Mix it up nicely. There goes half cup oil. Mix it nicely. Now you can see oil gets nice and mixed over here. Now it's time to add our flour. हाँ, मुझे पता है कि आप लोग में से जितने भी लोग देख रहे हो सकता है कि आप लोग शायद ये फर्स्ट टाइम ये वाला ब्रेड बनाने वाले हो, तो आप लोगों के लिए मैं ये थोड़ा सा सिंपल ही रखता हूँ. वैसे ये जो ब्रेड है ना, बेकरी में मिलने वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रेड है जिसमें योगर्ट डलता है, क्योंकि जो कारखाने का ब्रेड होता है जैसे कि ब्रिटानिया मॉडर्न जैसा, उनके जैसा नहीं कि खाली ईस्ट पानी डाल के उसको फुगा के बेक करके बेच रहे हैं. ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सो कीप चेकिंग. स्टेप में हम ये ले लेंगे ताकि लंप फ्री मैदा हम छान पाए. सो इसमें हम डालेंगे टोटल 3 कप मैदा. देख लो, इसको भी हम केक की तरह कट एंड फोल्ड टेक्निक से ही मिस कर रहे हैं, क्या पता केक बन जाए. तो ओह, ये तो बन गया. एक काम करते हैं. ओके, सो इस ब्रेड को ना थोड़ा सा और एक्सपेंसिव बनाते हैं मिल्क और चीज़ क्यूब ऐड करके. कम ऑन, लेट्स गो चेक इट आउट. ओके, सो मिल्क गर्म होने के लिए रख दिया है. अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ क्यूब है, इसके 2. लेट्स ऐड दिस 2 चीज़ क्यूब्स. तो उस गर्म दूध में मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ इन दोनों चीज़ क्यूब को एंड लेट इट मेल्ट. ओके, सो मिल्क के साथ में चीज़ को यहाँ पे ना मिक्सअप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बी पेशेंट, क्योंकि मिल्क है चीज़ है, दोनों को बाइंड होने में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है. आप गैस को पहले हाई फ्लेम पे करके इसको कुक कर ले, देन गैस को ऑफ कर दे, देन 5 to 6 to 7 minutes तक इसको ऐसा ढक के रख दे ताकि अंदर का जो चीज़ है वो अंदर के हीट से मेल्ट हो जाए. और हाँ, एक और बात ध्यान देना, इसमें हमने नींबू भी डाला है और अब इसमें मिल्क भी डालेंगे, तो इससे नींबू और मिल्क मतलब बटर मिल्क का काम करता है. तो आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हो. सो मिल्क यहाँ पे हो गया है डन, इसको अब डाल लेते हैं. वैसे चीज़ का ना थोड़ा थोड़ा सा क्यूब रह गया है यहाँ पे, सो इसको हम डाल लेते हैं इसमें. नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर देते हैं ये सारा का सारा मिल्क, चीज़ एंड मिल्क. यम्मी. अब हम इसे केक की स्टाइल में मिक्स करके देखते हैं कैसा बनता है कट एंड फोल्ड टेक्निक में. लेट्स चेक इट आउट. यार, इसको मिक्स करते करते ना फटने वाला है अभी. राइट है. सो इसको मिक्स करने के लिए हमने हथियार चेंज कर लिया है, अब हम करेंगे इससे मिक्स, क्योंकि लम्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं. तो 10 मिनट तक मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी मिला है. वैसे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है क्योंकि ये आटा बहुत प्यासा था. यहाँ पे ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है और इस केक टिन को मैंने, जो ब्रेड टिन है, इसको मैंने आटे से और ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लिया है ताकि एक नॉन स्टिक कोटिंग बन जाए. अब नेक्स्ट है हम अपने बैटर में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे. जा रहा है बेकिंग पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा ही कम. नेक्स्ट इसमें जा रहा है 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा. ध्यान रखें, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, स्टार्ट मिक्सिंग इट एंड यू हैव नो टाइम रियली. बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को ऐड करें, मिक्स करें एंड देन पोर इट एंड देन इंस्टेंटली कुक करने के लिए, उसको बेक होने के लिए रख दे. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, आई डोंट नो कैमरे में ये नोटिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये आटा जो है फूल रहा है, इट्स गेटिंग फ्लफ्ड. आई गेस ये कैमरे में भी शायद नोटिस हो रहा होगा. एंड यू कैन सी ये जो आटे का जो टेक्स्चर है वो भी किस तरह से एक स्ट्रेची टेक्स्चर बनता जा रहा है. आई गेस कैमरे में दिख रहा है, ये दिख रहा है तो समझ में आ रहा है क्या? डू कमेंट मी डाउन बिलो गाइस.
इमीडिएटली ट्रांसफर इट। स्प्रेड कर लिया थोड़ा अच्छे से एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। सो इसको फाइनली बेक होने देना है हमें। इसको मैंने टोस्ट मोड पे रखा है 180 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर रखूँगा मैं अराउंड 40 to 45 मिनट्स। टेक अ लुक एट द ब्रेड गाइस, किस तरीके से फूला है ये ब्रेड। आई मीन वाओ, टोटली वाओ। जस्ट टेक अ लुक एट द ब्रेड गाइस, ये फटेगा नहीं ना, बहुत ज़्यादा ही फूल गया है। आफ्टर 40-45 मिनट्स ये परफेक्टली पक चुका है। जस्ट टेक अ लुक एट द कलर। अब हम इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये माइक्रोवेव के साथ साथ जो ओटीजी है उसके साथ साथ ही कूल डाउन होगा। तब तक हमने यहाँ पे सारे जो चीज़ें हैं वो ऑफ कर दिया है, अब इसके साथ साथ ही कूल डाउन होगा। ब्रेड तो बन गया है और ये ब्रेड मैंने स्पेशली बनाया है अपने भाई लोगों के लिए। काश आप लोगों को भी खिला पाता वर्चुअली कैमरे के थ्रू, इन फ्यूचर शायद वो भी पॉसिबल हो जाए। अच्छा, ब्रेड तो बन गया है और ये ब्रेड मैंने खास करके अपने भाई लोगों के लिए ही बनाया है। और देखते हैं, शाम को चलूँगा मैं उनके पास और उनको खिलाऊंगा और उनका रिएक्शन कैसा होता है इस चीज़, घर मेड होम मेड सस्ता चीपेस्ट चीज़ ब्रेड को खा करके। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। लेकिन उसके पहले आप देखोगे कि फ़िलहाल ब्रेड को कटिंग करना है। अभी तो वो ब्रेड ठंडा होने के लिए रखा है, ब्रेड कट होगा, कैसा उसका अंदर का टेक्सचर है, कैसा बना है, मैं खुद खा कर उसका टेस्ट का रिव्यू दूंगा आपको। सो बने रहे वीडियो में। जिन लोग खास करके सिर्फ ब्रेड की रेसिपी देखने के लिए आए हैं ना, तो जस्ट केक को ठंडा हो जाने दो, उसके बाद मैं केक को बाहर निकालूंगा, कट करूंगा, उसको खा के उसका टेस्ट का रिव्यू दूंगा एंड यू गाइस आर डन। फाइनली इट्स कूल डाउन, हाँ ठंडा हो गया, लेट्स टेक इट। ये केक परफेक्टली पक चुका है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये केक पका नहीं है, वैसे मुझे पता है कि एक पक चुका है। अगर आप लोगों को लगता है कि एक नहीं पका है तो आप इस वजह से चेक कर सकते हैं। चाकू छुरी खंजर जो मिले घुसेड़ो और देखो, अगर क्लीन आता है तो यू डन। जस्ट टेक अ लुक दैट inside view, super spongy. Let's check another one more piece. So finally इस ब्रेड का जो ये बाइट है ना, ये खा करके पहले देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। जो ब्रेड का टेक्सचर है ना वो अमेजिंग आया है, बट क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है तो वो यू नो थोड़ा सा आ रहा है मुंह में कि हाँ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वगैरह डाला है, बट चीज़ इज़ परफेक्ट, चीज़ इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली परफेक्ट, बटर मिल्क इज परफेक्ट। और साथ में जो योगर्ट डाला था, जो सॉल्ट एंड शुगर का जो मिक्सचर था वो भी इसमें बहुत परफेक्ट है। सो आई गेस दिस केक फॉर यू गाइस इज परफेक्टली गुड टू गो। और हाँ, जो लोग सिर्फ ब्रेड देखने के लिए ये रेसिपी देख रहे थे उनके लिए ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग अमेजिंग ब्लॉग्स को इन्जॉय करना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ में। अभी शाम को जाऊँगा मैं, कुछ और भी अमेजिंग सीन्स देखने वाले हो आप। सो स्टे ट्यून। फाइनली इवनिंग टाइम और मैं पहुंच गया हूं वॉक करते करते ब्यूटीफुल से स्टेशन पे। और अभी इस वक्त है ना बहुत सा अच्छा सा रोमांटिक वेदर है। सो आज मेरे साथ में मेरा ब्रदर है। फाइनली ब्रदर, यू स्पेंडेड 15 डेज ऑन क्वारंटीन, हाउ यू फीलिंग? अमेजिंग। वैसे आज नाउ आई एम फीलिंग अमेजिंग। हां, बट बाहर निकलने के बाद इज लाइक अ हेल मच है। वैसे आज ना मैंने ब्रेड बनाया, अपने हाथों से ब्रेड बनाया, लेकिन वेरी सैड टू से कि मैं आधे से ज़्यादा आधा मतलब ऑलमोस्ट आधा खा गया हूँ। सो यू हैव टू टेस्ट एंड गिव द रिव्यू ऑफ दैट। ओके डन, रात को चलेगा, ही विल गिव द रिव्यू। इवनिंग व्यू देख लो, रोमांटिक सा, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर एक्चुअली।
Now the brother is trying this little bread. Okay, so brother, eat it and give the review. कैसा लगा? Soft है. Okay. अच्छा है. Homemade है. बहुत अच्छा. अच्छा इसमें मैंने milk और cheese भी डाला है. So कैसा लग रहा है? Cheese डाला है? हाँ, cheese का कुछ flavour आ रहा है? थोड़ा. समझ में नहीं आ रहा, but अभी बताया तो maybe शायद हो सकता है. अच्छा. Okay. बहुत अच्छा है. अच्छा है, होममेड है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया आई गेस, बट अच्छा है. थैंक यू फॉर द रिव्यू. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग. एक्चुअली कल ब्रेड खाते खाते ना बहुत रात हो गया था, तो कल रात को मैं ब्लॉग खत्म नहीं कर पाया. आज सुबह होता है इस ब्लॉग का दी एंड. होप यू लाइक द ब्रेड रिव्यू, होप यू लाइक द ब्लॉग एंड होप यू लाइक एवरीथिंग. इफ यू लाइक एवरीथिंग देन डू गिव इट अ थम्स अप और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. एंड यू कैन सी माई ब्रदर इज हैंगिंग अराउंड. वेल, मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट. बाय.